नमो बुद्धाय। सुबह के समय में सभी लोगों का जीवन में एक नया सा जिंदगी शुरुआत होता है, तो आपका जीवन में भी ये सुंदर सुबह आपका जीवन बदलाएंगे। ये सुंदर नया दिन का शुरुआत में तथागत भगवान बुद्ध की सुंदर एक बात को हम लोग सीखेंगे। इस संसार में रहने वाले सभी लोगों को अपना जीवन के बारे में अच्छी तरह से कोई जानकारी नहीं है, तो अपना जीवन को सफलता नहीं बना सकता है। अपना जीवन के बारे में अच्छी तरह से अवबोध ज्ञान जानकारी जरूरी है। अब देखिए, जो कोई कल के बारे में नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आज के बारे में जानते हैं, वे लोग कभी कल के बारे में सोचेंगे नहीं। कल कैसे जीवन बिताएंगे ऐसा भी नहीं सोच सकता है, वो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। कल का दिन उनको सुखी का जीवन नहीं बना सकता है। देखिए, वैसे ही है, इस संसार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो गया तो उस व्यक्ति को ये जीवन सफलता नहीं बना सकता है। भगवान बुद्ध की उत्तम ज्ञान को जो कोई सीखते हैं, वे लोगों को पहले जो नहीं सुना नहीं देखा, वैसा बहुत चीज अपने जीवन के बारे में संसार के बारे में सीख सकता है। हम लोगों को और किसी भी तरह से नहीं मिलने वाले ज्ञान भगवान बुद्ध की उपदेशों में से मिल सकता है, सीख सकता है। स्कूल में जाकर के सीखने से ये ज्ञान नहीं मिलता है। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कहीं जाकर के पढ़ाई करने से पढ़ने से यही ज्ञान नहीं मिलता है। तथागत भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया, उनका धर्म से हम लोग को मिलता है ये लंबी संसार में हम लोग मरते मरते जन्म लेते लेते जा रहा है, एक चक्कर जैसा है। तथा कभी भी हम लोगों को ये संसार की यात्रा नहीं रोक पाएंगे तो वापस हम लोग इस संसार में बिना रुके हुए मरते मरते जन्म लेते लेते जाना पड़ता है। ये सब कुछ हम लोगों ने जान गए भगवान बुद्ध के ज्ञान से। इस संसार के बारे में, सारे जन्म के बारे में कभी कभी हम लोगों को खतरनाक दुख पीड़ा मिलने वाले जन्म मिल जाता है। कभी कभी मरने के बाद सुख मिलने का जगह पे जन्म होता है। वैसे ही है, जो कोई गलत काम करेंगे तो, जो कोई गलत व्यवहार करेंगे तो शरीर मन वाणी से उन लोगों को मरने के बाद बहुत ही दुख सहित पीड़ा सहित खतरनाक जगह पे जन्म लेना पड़ता है। ये भगवान बुद्ध ने ये सत्य दिखाए। वही सही है, जो कोई पाप करेंगे तो, गलत काम करेंगे तो, गलत व्यवहार करेंगे तो उनको ये जीवन भी बहुत दुखी से पीड़ा से ही बिताना पड़ता है। शरीर से गलत व्यवहार करने वाले को, मन से गलत सोचने वाले को, वाणी से गलत बोलने वाले को इसी जीवन दुख से बिताना पड़ता है।
ये जीवन दुख से जो बिताते हैं वे लोगों का अगला जीवन कैसे सुखी हो जाएगा। जरूर अगला जीवन भी बहुत दुखी जगह मिल जाएगा। मगर इस जीवन में अपना शरीर से अच्छा व्यवहार करेंगे तो, अपना वाणी से अच्छा बात करेंगे तो, अपना मन से अच्छा विचार करेंगे तो, वही लोगों को ये इस जीवन पूरा खुशी से सुखी से बिता सकते हैं। वैसे ही है, उनका ये पूरा जीवन सुख शांति से भर जाता है। अगर फिर उनको द्वारा जन्म मिलेंगे तो बहुत ही बहुत सुखी का जीवन जरूर मिल जाएगा। हम लोगों का ये जीवन बहुत ही मुश्किल से मिल जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए सत्य की रास्ता पे अपना जीवन को चलाने के लिए, मिथ्या विश्वास की रास्ता पे नहीं। इस संसार में नुका हुआ ये सारे गहरी बातें, आर्य सत्य की बातें भगवान बुद्ध ने निकाल के देव मानव को बताए हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध की धर्म जो कोई सीखते हैं उनका जीवन परिपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, उनका जीवन गुण धर्म से भर जाता है। ये कारण हम लोग सीखने के बाद जरूर जो कोई भगवान बुद्ध की बातें सीख जाते हैं उन लोग सुखी से जीवन बिताते हैं, सुखी हो जाते हैं, तथा उनका अगला जीवन भी सुखी हो जाते हैं। सिर्फ आज के बारे में जानने वाले को कल के लिए कुछ नहीं कर पाता है, वही सही है। सिर्फ इस जीवन के बारे में जानने वाले को अगला जीवन के लिए कोई बचाएगा नहीं, सिर्फ इसी जीवन में खाएगा, पिएगा, मर जाएगा। वह सही है, हम लोग इस संसार की यात्रा के बारे में नहीं जानेंगे तो अगला भी हम लोग को जन्म मिल जाता है, मरने के बाद जरूर जन्म होता है, ये भी नहीं जानेंगे तो, मरने के बाद जन्म होता है ये भी नहीं जानेंगे तो, उनको कल्याण करने के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करने के लिए वो कभी सोचते नहीं हैं। मगर भगवान बुद्ध के धर्म को सुन के, संसार के बारे में ज्ञान मिलने के बाद, जन्म मृत्यु के संसार के बारे में जान जाने के बाद, स्वर्ग नरक, प्रेतों का जन्म, जानवरों का जन्म, ये सब जानने के बाद, ये सारे खतरनाक जन्म से, जैसे कि नरक का जन्म, प्रेतों का जन्म, जानवरों का जन्म, असुर का जन्म, ऐसा दुख पीड़ा मिलने वाली खतरनाक जन्म से मुक्त होने के लिए वे लोग मेहनत करते हैं, पुण्य करने के लिए मेहनत करते हैं, सील सुरक्षा करते हैं, संस्कार अपनाते हैं। वैसे ही पुण्य करने वाले लोग जरूर पाप को त्याग करते हैं। इसी जीवन सुखी से बिताने वाले पुण्यवान व्यक्ति बन जाता है। ये जीवन में पुण्य करते करते रहने के कारण पाप होता ही नहीं है, सुखी हो जाता है। तथा इसी जीवन जो कोई खुशी से रहता है वे लोग जरूर अगला जीवन भी खुशी मिलने वाली जगह पे जन्म पाते हैं, वे लोग भाग्यवान हैं। इसीलिए ये सुंदर दिन आप एक संकल्प ले लीजिए, शरीर से, मन से, वाणी से किसी को कभी भी कहीं भी कष्ट नहीं देना चाहिए,
चाहे अपने को या तो फिर दूसरों को, चाहे अपना गांव के लोगों को या तो फिर दूसरों को, चाहे मानव को या तो फिर जानवरों को, किसी को भी दुख मत पहुंचाइए। अगर आप हम सभी लोग दुख से मुक्त होना चाहिए तो, सुख पाना चाहिए तो, शांति पाना चाहिए तो हम लोग दूसरों को सुख शांति देना चाहिए। दूसरों को दुख दे करके सुख कैसे पा सकता है? इसलिए हम आप सभी लोग मिल करके शरीर मन वाणी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी चुगली नहीं करना चाहिए, कभी भी कठोर गाली इत्यादि कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, फालतू बातें नहीं करना चाहिए, क्रोध गुस्सा नफरत इत्यादि नहीं करना चाहिए, लोभ लालच कंजूस से नहीं भरना चाहिए। हम लोग ये सब हटाने के बाद जरूर अपना जीवन पारिशुद्ध होता है। जिसका जीवन पारिशुद्ध होते हैं वे लोगों का जीवन देवताओं के जैसा है। जिसका दिल पारिशुद्ध है उनका दिल में देवताओं की मंदिर बन जाता है। अगर पारिशुद्ध नहीं है तो गंदगी जगह पे सूअर जैसा असुर लोगों का घर बन जाएगा, भूत प्रेतों का घर बन जाएगा। अगर आपका घर देवताओं की मंदिर बनाना चाहिए तो अच्छा व्यवहार कीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, दान दे दीजिए, साधु संत के पास जाकर के ज्ञान की बात सुनिए, अपना जीवन के बारे में आर्य सत्य के बारे में सीखिए। खास करके सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध की उत्तम ज्ञान को सीख लीजिए, जरूर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये सुंदर दिन बहुत सफल हो जाए, कल्याण हो जाए। तथागत भगवान बुद्ध की आशीर्वाद से आप सबका कष्ट परेशान दूर हो जाए, आप सभी लोगों को शांति मिल जाए। नमो बुद्धाय।